नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। ट्रायल रन में मोकामा पहुंची वंदे भारत ट्रेन। बता दें कि पटना हावड़ा रेलखंड पर वंदे भारत ट्रेन का आज ट्रायल रन निर्धारित किया गया था। साथ ही बता दें कि वंदे भारत ट्रेन को देखने के लिए मोकामा स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी। तो आइए एक नज़र पूरी खबर पर डालते हैं। ट्रायल रन में वंदे भारत एक्सप्रेस मोकामा पहुंची। पटना हावड़ा रेलखंड पर वंदे भारत का ट्रायल रन निर्धारित किया गया था। इस ट्रेन को देखने के लिए मोकामा स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सुरक्षा की भी मुकम्मल व्यवस्था की गई और रेल कर्मी भी मौजूद रहे। यह ट्रेन मोकामा स्टेशन पर 9:16 पर पहुंची थी। स्टेशन पर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह और जिला प्रवक्ता दिलीप कुमार ने वंदे भारत ट्रेन की अगुवाई की। ट्रेन 2 मिनट का पड़ाव लेने के बाद हावड़ा के लिए रवाना हो गई। बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के पावन मौके पर इस ट्रेन के परिचालन को देखने के लिए लोगों में भी काफ़ी उत्साह देखा गया। साथ ही बता दें कि पटना से हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का आज ट्रायल रन किया जा रहा है। सुबह 8 बजे ट्रेन पटना जंक्शन से निकली, जो दोपहर 2:30 बजे हावड़ा पहुंचेगी। इस दौरान ये ट्रेन जसीडीह और आसनसोल स्टेशन पर रुकेगी। वापसी में हावड़ा से ये ट्रेन शाम 3:55 पर खुलेगी और रात 10:35 पर पटना जंक्शन पर पहुंचेगी। इस ट्रायल रन के दौरान ट्रेन की गति क्षमता, पटरियों की स्थिति, रास्ते के अवरोध की जाँच की जाएगी। पिछले दिनों मेक इन इंडिया सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का एक और रैक चेन्नई से पटना पहुंचा था। इसमें 5 सामान्य चेयर और 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार सहित अन्य कोच हैं। पटना से हावड़ा के बीच अपने पहले ट्रायल रन पर निकली वंदे भारत एक्सप्रेस जसीडीह से खुल चुकी है। सुबह 8 बजे पटना जंक्शन से खुलने के बाद 10:30 बजे झाझा पहुंच, लेकिन ट्रायल रन में इस स्टेशन का ठहराव नहीं था। इसके बाद 10:58 पर जसीडीह पहुंची और फिर 11 बजे जसीडीह से रवाना हुई। बता दें कि पटना से हावड़ा के बीच की दूरी करीब 535 किलोमीटर है, जिसको तय करने में लगभग 6.5 घंटे लगेंगे। हावड़ा ट्रेन 6:30 पर पहुंचेगी, जबकि हावड़ा से पटना आने में 6:40 का समय लगेगा। इस ट्रायल रन में जोन और रेल मंडल के विशेषज्ञ अफसर भी सवार हैं, जो आने जाने के दौरान इस ट्रायल रन की सभी पहलुओं पर नज़र रखेंगे। ट्रायल रन की रिपोर्ट के आधार पर इसका समय तय किया जाएगा। रूट पर ट्रेन का ठहराव सामान्य दिनों में कितना रहेगा, इसे लेकर अंतिम रूप से निर्णय ट्रायल रन के बाद ही लिया जाएगा। साथ ही किराया भी तय होगा। एक बार फिर से बता दें कि राजधानी पटना से आज दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना हुई। पटना से हावड़ा के लिए रवाना हुई। ट्रायल रन में ही वंदे भारत एक्सप्रेस 16 मिनट विलंब से मोकामा पहुंची। पटना हावड़ा रेलखंड पर वंदे भारत का आज ट्रायल रन निर्धारित किया गया था। इस ट्रेन को देखने के लिए मोकामा स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सुरक्षा की भी मुकम्मल व्यवस्था की गई और रेल कर्मी भी मौजूद रहे। ये ट्रेन मोकामा स्टेशन पर 7:16 पर पहुंची थी। वहीं स्टेशन पर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह और जिला प्रवक्ता दिलीप कुमार ने वंदे भारत ट्रेन की अगुवानी की। ट्रेन 2 मिनट का पड़ाव लेने के बाद हावड़ा के लिए रवाना हो गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव के पावन मौके पर इस ट्रेन के परिचालन को देखने के लिए लोगों में भी काफ़ी उत्साह देखा गया। बता दें कि पटना से पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रांची के लिए रवाना हुई थी। तो आपने देखा कि ट्रायल रन में मोकामा पहुंची वंदे भारत ट्रेन। बता दें कि पटना हावड़ा रेलखंड पर वंदे भारत ट्रेन का आज ट्रायल रन निर्धारित किया गया था। वहीं मोकामा स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन को देखने के लिए लोगों की भी भारी भीड़ उमड़ पड़ी। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।